भारतीय मजदूर संघ का दीपावली मिलन समारोह बिरला ग्राम स्थित कार्यालय पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद चिंतामणि मालवीय, प्रदेश सरकार मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, विधायक दिलीप सिंह शेखावत, ज्योत सिंह राठौड़ सहित संघ कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपका सबसे पहला ही हार्दिक शुभकामनाएं और आगामी छठ पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री ज्योत सिंह जी राठौड़ ग्रेसिम बीएमएस के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विशेष अतिथि में हमारे जाने पहचाने माननीय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत, असंगठित कामगार वार्ड शहरी ग्रामीण के चेयरमैन। विशेष अतिथि संघ के अध्यक्ष माननीय अशोक जी गुर्जर से भी निवेदन करूंगा, वे भी सभी अतिथियों का क्रमवार स्वागत करें। मीठे बोलो, मीठे बोलो, मीठे चल रहा है उसके विषय में कार्यकर्ताओं को कई जानकारी दी जाएगी, उसके विषय में प्रकाश डाला जाएगा। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं और अधिक समय नहीं लेते हुए, आप भी ड्यूटी से आए हुए हैं, श्रमिकों के बारे में श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन उसके बीच में मैं कुछ कहना चाहूंगा। बंधुओं, आज के दिन देश और प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार हमारे देश में है और सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार होने के कारण लोगों की मानसिकता यह है कि हमारी हर प्रकार से हर प्रकार की समस्या का समाधान होना चाहिए। कुछ शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी दीपावली आपने और हमने सबने मनाई है और इस दीपावली के अवसर पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन होने के नाते आप सबको हृदय से मेरी ओर से, भारतीय मजदूर संघ की ओर से और बजानो जोर से बजाने। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। कल छठ का पर्व है, इसलिए छठ के इस पवित्र त्योहार पर भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के कार्यक्रम में कई नई नई चीजें मुझे सीखने को मिली कि 1 लाख में से 1 रुपया कम कर दिया तो क्या होगा, लेकिन 1 लाख का महत्व कम हो जाएगा। और बातों में उन्होंने ये भी इंडिकेशन कर दिया कि आपकी पूछ और परख में आगे भी पहले भी कोई कमी नहीं थी और आगे भी कमी नहीं होती। लेकिन एक विनम्र निवेदन मैं भारतीय मजदूर संघ के सारे पदाधिकारियों से आज करूंगा कि आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि हम आपके ही हैं, क्योंकि मैं कई बार कार्यक्रम में आता हूं तो आप धमेड़े खुद दे देते हो, तो फिर मेरे को उसका उत्तर देना पड़ता है। जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता की कड़ी और कथनी में अंतर नहीं होता है। लंबे समय से हम उस संगठन के हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको उस संगठन का कार्यकर्ता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस देश का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ, और विश्व का सबसे बड़ा संगठन कोई एक दिन में नहीं बनता है। 23 जुलाई 1955 को जिस संगठन की स्थापना हुई, वो संगठन लगातार इस देश के संगठित असंगठित सरकारी गैर सरकारी निगम मंडल केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पब्लिक में काम करते करते आज उस स्थिति पे पहुंचा है। जब कांग्रेस की सरकार और ये अन्य सरकारें रही, उन्होंने श्रम सुधारों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन देश का सौभाग्य कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार चहुंमुखी विकास, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो मजदूर क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन और क्रांतिकारी विकास करने का काम किया है।